हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारे पास जेरोक्स की वर्क सेंटर 7855 सीरीज़ की मशीन है, मल्टी कलर मशीन है। तो दोस्तों, इस मशीन में आज मैं आपको इसमें बाईपास ट्रेसेस, कलर फोटोकॉपी या ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी जो भी हम करना चाहते हैं वो कैसे कर पाएंगे, तो आज मैं इस वीडियो में आपको वो बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि ये हमारे पास मशीन है, जेरोक्स की वर्क सेंटर 7855 सीरीज की मशीन है। दोस्तों, इस पर जो ट्रे से फ़ोटो कॉपी करना मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबर ने बताया था कि भैया इसमें बाईपास ट्रे से फ़ोटो कॉपी करना सिखाइए आप। तो दोस्तों, मैं बाईपास ट्रे से फ़ोटो कॉपी करना आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये इसकी बाईपास ट्रे है जो मैंने यहाँ खोल ली है। तो दोस्तों, बाईपास ट्रे में हम फ़ोटो कॉपी करना चाहते हैं, जैसे कि A4 पेपर पे हमें फ़ोटो कॉपी करना है, तो A4 पेपर को हमें इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये मेरे पास वन साइड वेस्टेज पेपर है, तो इस पर मैं आपको फ़ोटो कॉपी करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमें फ़ोटो कॉपी करना है तो उसका जो ब्लैंक एरिया है वो हमें नीचे रखना पड़ेगा इस तरीके से। जैसे ही हम इसमें पेज को इंसर्ट करेंगे, हमारी स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन हमें से सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। जैसे कि ये बाईपास ट्रे हमारी ऑटोमेटिक यहाँ सिलेक्ट है, तो अब हमें यहाँ साइज़ सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने अभी यहाँ A4 साइज़ सिलेक्ट किया है, A4 साइज़ पेपर को बाईपास ट्रे में लगाया है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई और साइज़ दिखाता है, जैसे कि अभी यहाँ पर A4 ही आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी अभी कुछ समय पहले से A4 साइज़ से फ़ोटो कॉपी की थी, तो यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट A4 ही आ रहा है। लेकिन अगर आप साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ A4 ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो दोस्तों, ये नीचे वाला जो A4 है वो A4R होता है, जो हमें पेपर को लंबे में लगाना पड़ता है इस तरीके से, और जो नॉर्मल A4 है वो हमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी हमें सिंपली ऊपर वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है, और इस पर क्लिक करके हमें यहाँ सेलेक्ट करना है, और जो भी पेपर हम यहाँ लगाते हैं बाईपास में, वो हमें उसका GSM है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि पेपर हमारा कितना थिक है, या नॉर्मली जो फोटोकॉपी का हम पेपर यूज़ करते हैं वो है, तो हमारा नॉर्मली प्लेन पेपर है, तो हम यहाँ प्लेन पेपर पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ हमारा जो फोटोकॉपी पेपर है वो नॉर्मल वाइट पेपर है, क्योंकि और भी मार्केट में कलर पेपर आते हैं, पिंक कलर का है, येलो कलर का है, तो उन पर भी फ़ोटोकॉपी की कुछ कस्टमरों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन पर भी फ़ोटोकॉपी करना पड़ता है, तो यहाँ से हमें वो भी चेंज करना पड़ता है कलर को। लेकिन ज़्यादातर वाइट पेपर पे ही हम फोटोकॉपी करते हैं, तो यहाँ से वाइट रह के ही हमें सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद हमें सिंपली कॉपी बटन पर प्रेस करना है, और कॉपी बटन पर प्रेस करने के बाद जो हमारी बाईपास ट्रे होती है वो 5 नंबर की ट्रे होती है, तो यहाँ हमें मोर ऑप्शन पे, यहाँ पेपर सोर्स में, पेपर सप्लाई में जाके मोर ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो 5 नंबर की ट्रे आप देख पा रहे हो वो A4 हमने बना लिया है अभी, तो इसको सिलेक्ट करके हमें यहाँ सिंपली ओके करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये 5 नंबर ट्रे सिलेक्ट करने के बाद ओके करना है सिंपली, और ओके करने के बाद ये हमारी ट्रे है वो सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद हमें अपना जो डॉक्यूमेंट है जिसकी भी हमें फ़ोटो कॉपी करनी है, जैसे कि मैं आपको दोस्तों ये वाला डॉक्यूमेंट है इसकी फ़ोटो कॉपी करके दिखाता हूँ। सिंपली फ़ोटो कॉपी हम मैनुअल भी कर सकते हैं, और ऊपर ADF से डाल के भी कर सकते हैं, तो मैं आपको ADF से उठा के करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ADF का यूज़ हम एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट होते हैं तो जब उसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, फ़ोटो कॉपी करने के लिए सिंपली इस एरो से चिपका के हमें डॉक्यूमेंट को रख देना है। डॉक्यूमेंट को रखने के बाद सिंपली हमें अपना प्ले बटन है ग्रीन कलर का, इसको प्रेस करना है, और यहाँ हमारे फ़ोटो कॉपी के लिए प्रोसेसिंग ले लेगा। ये फ़ोटो कॉपी हमारी थोड़ी देर में बाहर आ जाएगी। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ कंप्लीट हो चुका है, और ये जो फ़ोटो कॉपी हमने की थी इसी पेपर पर, ये फ़ोटो कॉपी भी हमारी यहाँ पर आ गई है। दोस्तों, इसी प्रकार से हम अगर ट्रे के थ्रू भी फ़ोटो कॉपी करना चाहें तो ट्रे से भी हम फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने भी पहले एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। और इसी मशीन के थ्रू हम पेन ड्राइव से अपने डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन कर पाएंगे वो भी मैंने आपको बताया है, वो यहाँ से होता है, वो भी मैंने पहले इसकी वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो।
तो दोस्तों ट्रे से फोटो कॉपी करने के लिए सिंपली हमें वही कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी पेपर सप्लाई हमें जिस भी ट्रे से करना है वो कर सकते हैं। जो 5 नंबर की ट्रे होती है वो बाईपास होती है और बाकी उसके अलावा जो इसमें 1 से लेकर 4 तक की जो ट्रे होती हैं वो हमारी नॉर्मल ये मशीन के नीचे जो ट्रे है वो ये वाली होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसमें फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों इससे हम कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकालने के लिए भी सिंपली यही प्रोसेस होती है। उसमें कुछ नहीं, अगर हम बाईपास ट्रे से प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो पहले हमें अपने बाईपास ट्रे में पेपर को इंसर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे ऑप्शन ओपन होते हैं, उन ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर हमें अपने कंप्यूटर से मशीन पे कमांड देनी होगी। तो मैं आपको एक इसमें कमांड देके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये है हमारा डॉक्यूमेंट, इसको हम बाईपास में लगा देते हैं। बाईपास में हमने इसको जैसे ही इंसर्ट किया, यहाँ हमारा डिस्प्ले पे एक ऑप्शन आ जाएगा। अगर हमें यहाँ सारी सेटिंग चेंज नहीं करनी है, जैसे कि एक बार करना पड़ता है, उसके बाद जो सारी सेटिंग है वो आ जाती है। तो दोस्तों बाईपास ट्रे पे हम जैसे ही पेपर इंसर्ट करेंगे तो जो हमने पहले एक बार जो हम इस पर सेटिंग अप्लाई कर चुके हैं वो दोबारा से आ जाएगी। तो सिंपली अब हमें कुछ नहीं करना, कंफर्म बटन पर क्लिक करना है और अपने जो कंप्यूटर से हमें कमांड इस पर डालनी है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है जिसको हम प्रिंट करेंगे। दोस्तों सिंपली प्रिंट करने के लिए हमें अपना प्रिंट कमांड को ओपन करना है और हमें इस तरह से अपनी मशीन को सिलेक्ट कर लेना है। मशीन हमारी यहाँ है, जेरॉक्स की वर्क सेंटर 7855 सीरीज की मशीन है। बाद हमें ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें अपने पेपर साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। अदर साइज़ में जाके चेंज डॉक्यूमेंट साइज़ पर क्लिक करके यहाँ से A4 सिलेक्ट कर सकते हैं। A4 सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ सिलेक्ट बाय ट्रे पे जाके 5 नंबर ट्रे जो है बाईपास उसको सिलेक्ट करना है और ये डुअल साइड अनेबल है इसको 1 साइड कर देना है और ओके करके हमें ये प्रिंट डाल देना है। प्रिंट यहाँ से करते ही आपको देख सकते हो, मैं मशीन पर ले चलता हूँ। ये है, तो यहाँ हमारा बाईपास ट्रे पे लगा हुआ है पेपर, ये थोड़ी देर में ही हमारा ये प्रिंट यहाँ से ले लेगा। दोस्तों थोड़ा सा वेट करते हैं, कमांड कंप्यूटर से मशीन की तरफ सेंड हो रही है। दोस्तों इसमें पेपर ले लिया है और यहाँ ये हमारा डॉक्यूमेंट आ गया है। तो दोस्तों ये है डॉक्यूमेंट जो हमने प्रिंट दिया था। तो दोस्तों आप इसकी क्लियरिटी भी चेक कर लीजिए, ये काफ़ी क्लियर आया है इसका प्रिंट भी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने अभी ब्लैक एंड वाइट ही डाला है, इसमें बस ज़रा सा ये रेड कलर था यहाँ पर, ये तो ये आया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम बाईपास ट्रे का यूज़ करके अपने मशीन से फोटोकॉपी और प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।